और भी जनता की हाल चाल नहीं। सो दिस इज डे टू इन गोवा। अब डे वन में क्या हुआ और मैं बैंगलोर से गोवा कैसे आया अपनी बाइक पे, व्लॉग देखा कि नहीं, नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लो। एनीवे टुडे आई एम गोना शो यू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि अगर आपको सुपर बाइक्स पसंद है यू विल लव दिस प्लेस। इट्स अ मोटो कैफे ओन्ड बाय लीरॉय लोबो, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं आपको वहां आज लेके जाने वाला हूँ। अब प्लान तो था कि सुबह उठ जाऊंगा और फटाफट वहां चला जाऊंगा और सारा दिन बीच पे चल मारूंगा, बट अभी बज गए दोपहर का 1 और मैं उठा हूँ काफी लेट और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी तक। तो पहले जाके वो ब्रेकफास्ट करूंगा, हल्का फुल्का सा शेक वगैरह पीऊंगा, बिकॉज यस्टरडे आई एट टू मच, माय स्टमक इज लाइक भाई रेस्ट दे थोड़ा। और शेक वगैरह पीने के बाद जाऊंगा मैं टू द मोटो कैफे एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली वेयर दिस प्लेस इज, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। बहुत मजा आने वाला आज के व्लॉग में। I will see you on the road now. लो जी थोड़ा शेक शूक पी लेने इत्थे। निकल गए शेक पी के और गोप्रो की बैटरी बाहर निकाल के फिर से चालू करना पड़ा इसको। गोप्रो बहुत ही दुखी करता, कभी कभी हैंग हो जाता है। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो यहाँ से अराउंड 25 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। अब गोवा में ना बारिश हो चाहे ना, आपने भीगना तो होता ही है। अगर बारिश है तो बारिश से, बारिश नहीं है तो पसीने से। ये पता नहीं गूगल कौन सी सड़क से घुसा लाया, पर आई थिंक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ तो गलत करता होता है कभी कभी गूगल। ऐसी सड़क से ले जाता है, आगे सड़क ही नहीं है और ये दिखाता है कि आप चले जाओ। Sometimes it happens. So yeah, if you ever want to come here, it's called Behind Bars Moto Cafe. Behind Bars आप Google पर लिखोगे तो आराम से आ जाएगा। बिलू। बहुत बढ़िया। Behind Bars Moto Cafe lifestyle. यहाँ भी देखो मस्त bikes खड़े हैं। I can see a Ninja. It's a very old 650, I think. There's a Scrambler and Harley. I don't know exactly what model that is. ये जो टायर आप देख रहे हो ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल टेबल, ये टायर मेरी ही डियावल का है। 2 साल पहले यहाँ पे चेंज कराया था मैंने, 2019 में आई हैड कम फॉर इंडिया बाइक वीक। देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ इनसाइड एज वेल। एंड हाँ, ऑल दिस गियर दैट यू सी, दिस ऑल बिलोंग्स टू लीरॉय। ये सेल वेल के लिए नहीं है। लीरॉय हैज़ बीन राइडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट बहुत मज़ेदार कलेक्शन है उनके पास। The brake pads you gave me last time, I'm still using them. Okay. EBC is not yet, but? No, Brembo's. The Brembo's you got? Yeah, you had like leftovers. The old ones. Sure. Yeah, still working. Okay. So yeah, अगर आपको भी कभी गोवा में अपना बाइक लेके आना है छोटे मोटे काम के लिए या बहुत बड़े काम के लिए, जैसा भी है, यहाँ पे आ जाओ। It's the best place in Goa according to me for super bikes. Cool man, thanks for your time. I'll see you whenever I come to Goa next. Thank you. मेरे को लगा मेन रोड आ जाएगी ऊपर, तो मैं वो चढ़ गया। अच्छा
मैं बाइक लेके कहीं तो घुस गया हूँ, मुझे भी नहीं पता कहाँ। मुझे लगा सड़क है, मैं चला जाता हूँ। मुझे लगा कि सड़क जा रही है मेन रोड पे कनेक्ट होने के लिए, बट मैं कहीं तो बिल्कुल अंदर ही घुस आया। बढ़िया, नाइस प्लेस। सो आई एम इन संगोल्डा एरिया राइट नाउ। तो पहले यहाँ मुड़ने की जगह है, मैं देख लेता हूँ कि जाना कहाँ से है। छोटू सा एडवेंचर हो गया। ओए होए 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 होए, सोना ही बड़ा है। तो नाउ आई एम गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड ओपाज इन चपोरा। ऑन गूगल इसकी रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 240 रिव्यूज, विच इज अ कमेंडेबल जॉब। और लीरॉय ऑल्सो सजेस्टेड मी कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए। सो या बिहाइंड बार्स में मैं बेसिकली तो मैं लीरॉय से मिलने ही गया था, और उसी बहाने मैंने चेन क्लीन करवा ली, ल्यूब्रिकेट करवा ली। वॉशिंग का इनके पास अभी इंतज़ाम है नहीं, तो अर्लियर दे यूज टू हैव इट, बट नाउ आई डोंट थिंक दे आर डूइंग इट। तो वॉशिंग के लिए उसने बोला कि देयर इज़ अ सर्टन प्लेस, वहाँ चले जाना। तो मैं कहा चलो बाद में करवा लूँगा, वॉशिंग इज़ नॉट अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट राइट नाउ। मेरे को मेनली तो बस मिलने और चिल मारने आना था। Opaz, the hidden jewel of Chapora. Very nice. काफी नमक है। तो राइट नाउ वी आर एट Opaz, इट्स इन चपोरा, बीच के पास ही है, मतलब बीच के ऊपर नहीं एकदम पास ही है। एंड आई हैव ऑर्डर्ड पोक रोस्ट। अब भूख इतनी ज़्यादा तो नहीं है, तो स्वाद हुआ तो खाया जाएगा अच्छे से। एंड एज आई टोल्ड यू, रेटिंग बहुत अच्छी है इस जगह की। सो खा के देखते हैं कैसा होगा। बाकी आई विल एंजॉय दिस सॉल्टी सोडा अंटिल देन। तो जी ये था Opaz रेस्टोरेंट। अब ऑनेस्टली बताऊँ तो आई वुड गिव इट अ 2.5 टू 3 स्टार रेटिंग। सो द सर्विस वॉज वियर्ड, एंड देन लेमन सोडा मंगाया था जिसमें नमक बहुत ही ज़्यादा था, ऐसे लग रहा था कि समुद्र का पानी डाल दिया होता उसमें। और फिर द पोक रोस्ट वॉज एक्चुअली नाइस, इट वॉज अ लिटल ऑन द सॉल्टियर साइड, थोड़ा नमक ज़्यादा ही था इनकी हर चीज़ में। मैश पोटेटोज वर अमेजिंग बाय द वे। तो पता लग रहा था कि द शेफ हुज मेड द फूड नोज हाउ टू मेक फूड, बट शायद उसका मूड अच्छा नहीं था आज। सो या द पोक रोस्ट वॉज डिसेंट, आई वुडन्ट से इट वॉज एक्सेप्शनल। और सर्विस अच्छी नहीं थी, और गूगल पे फ़ोन पे कार्ड कुछ भी नहीं था इनके पास, तो कैश देना पड़ा, विच इन दीज डेज इज़ अनदर हैसल। और वो जो सर्विस वाला बंदा था, जो वेटर था, उसका बात करने का तरीका बहुत अजीब सा था। वो ऐसे था कि भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ उसको। तो यस, आई वुड गिव इट 3-star rating, nothing more than that. चलो anyway, सबका अपना अपना experience रहता है। अब मैं जा रहा हूँ वागतौर बीच के पास, और वहाँ जाके चिल मारेंगे थोड़ा। बस बाइक की पार्किंग अगर अच्छी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बाइक की पार्किंग अगर अच्छी नहीं मिली तो आई विल गो बैक टू द हॉस्टल अंजुना में, और फिर अंजुना बीच पे जाके फिर से बैठ जाऊँगा। दैट्स द प्लान फॉर नाउ। एंड या आई होप यू आर enjoying whatever I'm showing you. काफ़ी लोग गोवा के व्लॉग्स बनाते हैं और बीच दिखा देते हैं, काफ़ी लोग गोवा के व्लॉग्स बनाते हैं और अपनी शक्ल ही दिखाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ being a rider, I show you the roads and the real food of Goa. And if you are enjoying that part, then please make sure आप एक like button दबा दो। साइड पे वागतौर है, यहाँ पहाड़ी के पीछे जाके चपोरा बीच है। तो वागतौर से एंटर किए, उसके बाद वो पहाड़ी से चल चल के इधर आ गए। एंड दिस इज़ अ क्वेंट लिटिल बीच कॉल्ड
प्रिंसेस ड्रीम। अब इसे प्रिंसेस ड्रीम क्यों कहा जाता है मुझे भी नहीं पता, और मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि पसीने से मेरी दाढ़ी बिखर चुकी है, तो बहुत अजीब लगेगा ऐसे कैमरा में। बाकी एज यू कैन सी इट्स अ वेरी क्वाइट बीच, काफ़ी मतलब काफ़ी क्या खाली ही पड़ी है। देर आर टू पीपल ऑन दैट साइड प्रैक्टिसिंग कापोएरा। कापोएरा इज़ अ ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट, तो वो आपने पिछले शॉट के शायद कोने में देखा होगा उनको। और जस्ट हैव अ लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द स्काइज आर मैन। वागतौर बीच सनसेट, गोवा की ऑफ कोर्स किसी भी बीच पे चले जाओ तो सनसेट दिखेगा ही आपको। और यहाँ मस्त पार्टी चल रही है, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स प्लेइंग। आई होप माइक में ज़्यादा आवाज़ ना आए क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, फिर आपको पता ही है। सुंदर बीच है, और वहाँ पे ऊपर खड़े हो के अगर आप इस बीच का शॉट लेते हो तो गोवा पे बहुत सारे मैग्नेट्स मिलते हैं, फ्रिज पे लगाने वाले मैग्नेट्स होते हैं ना, तो उन मैग्नेट्स पे वही वाला व्यू बना होता है वागतौर बीच का। नाइस। वागतौर से तो आ गए वापस, हॉस्टल जाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, एंड देन मे बी अगेन बैक टू अंजुना बीच। हॉस्टल अंजुना में ही है तो बस वहीं पे चिल मार लेंगे। कहाँ से लेके जा रहा गूगल। ओहो, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, क्या बात। फुल सिस्टम एक्रापोविक एग्जॉस्ट। अपने को भी ऐसा ही एग्जॉस्ट चाहिए बाइक में। हाँ, पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, बट देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेनबो। नॉइस। पहुंच गए जी हॉस्टल वापस। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार हॉस्टल क्यों कह रहा हूँ, होटल क्यों नहीं कह रहा, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन अ हॉस्टल, प्राइवेट रूम ले रखा है। सो दिस हॉस्टल इज कॉल्ड द फंकी मंकी हॉस्टल, इट्स इन अंजुना, राइट नेक्स्ट टू अंजुना बीच। गूगल मैप्स पे देख लो, पता लग जाएगा। बाकी यार शक्ल पे थकान दिख रही होगी थोड़ी बहुत शायद। सो आई होप यू एंजॉयड व्हाटएवर आई शोड यू टुडे। आज का व्लॉग इसी में ख़त्म करता हूँ मैं। अब इसके बाद भी मैं जाऊँगा बाहर, खाऊँगा पीऊँगा। सो व्हाटएवर हैपेंस नेक्स्ट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो If you enjoyed this one, make sure hit that thumbs up button, subscribe button दबा लो, notification on करनी है तो कर लो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। Bye.